मैं सेंट
कैंपनी पैरिश के पल्ली पुरोहित फादर बिजू डेवियर पल्ली वासियों की ओर से परम आदरणीय बिशप स्वामी अनिल पुटो जी, सहायक बिशप दीपक टावर, एमरिटस बिशप विंसेंट एंडरसन साहब, उपस्थित सभी पुरोहितगण, घर बहने और आप सभी उपस्थित अतिथियों का हार्दिक दिल से इस मिसा बलिदान की स्वागत करती हूँ। अब मैं बिशप स्वामी जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस पवित्र मिसा में हमारी अगुवाई करें। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। पिता को प्रभुता आगे ना कर, हमारे प्रभु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। Thank you.
But we appeal to you, brothers and sisters, to respect those who labor among you and have charge of you in the Lord and acknowledge you, esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourself, and we urge you, beloved, to admonish the idleness, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with all of them. See that none of you repays evil for evil, but always seek to do good to one another and to all. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. The word of God. समारोह है जहां हम ईश्वर की अच्छी
अच्छाई को पहचानते हैं, वो जो अच्छाई उन्होंने फादर मांडे के राज्य के जीवन में भर दिया है और उनके जीवन के द्वारा बहुत लोगों तक पहुंचाया है। सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द बेनेवोलेंस ऑफ गॉड इन एंड थ्रू द लाइफ ऑफ फादर मांडे के राज्य। If I invite you all to experience and see the goodness of the Lord in this celebration, let's reflect together the word of God that is addressed to us today is chosen by Father Manikyaraj himself. आज के विशेष वचन हमने सुना उस time Father Manikyaraj ने चुना क्योंकि इस ईश वचन का उनके जीवन में एक जीवन से एक गहरा संबंध रखता है, उसी पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सो आई विश टू बिगिन देयरफॉर विद द फर्स्ट रीडिंग, वो भी उसमें पद संख्या 5। सिंग टू द लॉर्ड फॉर ही हैज डन ग्लोरियस थिंग्स टू यू, प्रभु की महिमा गाओ क्योंकि प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। Let this be known to the whole world, प्रभु ने जो महान कार्य किए हैं वो सारे संसार को संसार के ज्ञान में आ जाए। Yes, the Lord deserves this praise, for he has gifted priesthood to the church. प्रभु ने सचमुच महान कार्य किया है क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के लिए, इस मानव के लिए पुरोहिताई को एक उपहार के रूप में उन्होंने दिया है। इसलिए प्रभु की स्तुति करना आवश्यक है, ईश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है क्योंकि खुला मन एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा प्रभु की कृपाएं इस दुनिया में दुनिया के लोगों पर बहती हैं। तो माय डियर पीपल एंड डियर फादर माणिक्य राजू, it's a day to take some time off, especially for you, Father Manikya, to take some time off today to recall all those good deeds the Lord has done for you, for yourself, but for humanity and for the church. It's a day to dig out your memories, the day of your recruitment to priesthood. Call to mind the day when you were at home and today when you are sitting here in this church. कितना बड़ा अंतर देखने को मिलता है जिस दिन आप लाए गए थे और आज का जो दिन, कितना कुछ हुआ है आपके जीवन में। Recall the joys and the sorrows of those days and visualize the fast growth that you experienced in your life. जिस दिन आप लाए गए थे, जो आपका व्यक्तित्व था वो आज नहीं है, काफी अंतर आया है क्योंकि प्रभु की कृपा आपके जीवन में आई है विशेष रूप से। And remember also those days of your formation in seminaries, your philosophical studies, your regency, theological studies, those were the days you grew in confidence and wisdom. आपने जब अपनी पढ़ाई शुरू की, आप प्रज्ञा में विकसित होते गए, आपका आत्मविश्वास बढ़ते गया और आप अपने गुलाहट में मजबूत होते गए। There must be a long list of events that has led you to the joy of this jubilee day. अगर आप बैठ करके याद करते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो आप आज याद कर सकते हैं खुशी से। You see how the word of God that you have chosen has borne fruit in your life and made sense in your life today. इसलिए प्रभु को आज धन्यवाद देना उचित है क्योंकि प्रभु ने सचमुच आपके जीवन में महान कार्य किया। Go also back to some of the tough times of your life, all those humiliating moments in your life, the difficult times you experienced.
आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं, इट वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस फॉर यू, बहुत कुछ आपने झेला है, कष्ट सहा है, उन दिनों को याद कर सकते हैं आप आज। आप प्रभु का उस कथन को आज के जो पहला पाठ पद संख्या 2 में लिखा था उसको आप याद कर सकते हैं, श्योरली गॉड इज माई सल्वेशन, आई विल ट्रस्ट एंड नॉट बी अफ्रेड, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज माई स्ट्रेंथ। जी हाँ, प्रभु स्वयं आपके रक्षक थे, प्रभु आपके साथ थे, इसलिए उन दिनों का सामना आप कर सके। Gratefully you must admit today that your priesthood has earned you appreciation, earned you friends, lots of accolades, achievements. I believe you are a happy priest. मेरा विश्वास है कि आप एक खुश रहने वाले पुरोहित हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपकी पुरोहिताई ने आपके लिए बहुत सारे प्रशंसा, बहुत सारे मित्र और बहुत सारे उपलब्धियों को दिलाए हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, डिड आवर प्रीस्टली मिनिस्ट्री हेल्प अस टू एक्नॉलेज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द चर्च एंड एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द चर्च। Did we remain faithful and grateful to God for all those people who supported the priestly ministry? क्या प्रभु के शांति और प्यार का साधन अपरोहित के रूप में बने हैं या नहीं? Did we warn and admonish our disruptive brothers and sisters when they were erring? Did we encourage our people to come up to be true faithful to people of God? In short, did we do justice to the vocation and the priestly gift the Lord has given? आज जब हम हर्ष मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, प्रभु हम लोगों से अनुरोध करते हैं, विशेष करके जुबिलेरियन से, आज एक मूल्यांकन करने का भी दिन है कि क्या मैंने अपने पुरोहिताई के प्रति न्याय किया है या नहीं। अगर किया है तो प्रभु को धन्यवाद देने का समय, अगर नहीं किया है सच्चा दिल से पश्चाताप करने का समय है। एंड देन दिस इज आल्सो ए डे टू शूट फॉरवर्ड। कुछ अच्छा हुआ है, कुछ खराब हुआ है, अभी आगे देखने का समय है। जी हाँ, फॉर अस क्रिश्चियंस आई ऑलवेज से द बेस्ट इज येट टू कम। फादर मानिकिया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बाल पक गया ऑलरेडी, तो मैं आपसे आज कहूँगा, जिससे हम लोग रिवर्स के कहते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है, बिकॉज द बेस्ट इज येट टू कम। द लॉर्ड इज येट टू वर्क मिरेकल्स टू यू। Gospel according to Matthew reminds us, all authority in heaven and on earth has been given to you, therefore go and exercise your priestly ministry with more vigor and more enthusiasm. The very words of the Gospel, all authority in heaven and earth has been given to you, and therefore as a priest of God, go and exercise your priestly ministry with more vigor, more energy, and more enthusiasm in the days to come. Teach people about God and give Christ to others in and through your ministry. That is the message for your future. And the verse 20 of the same gospel, same passage reminds us, I am with you on this. What an assurance by the Lord. Swayam Prabhu kehte hain, main tumhare saath hoon. Isse bada ab kya ho sakta hai? Yes, the Lord is with us. Therefore, today for the Manikya, it's a day to ask yourself, the Lord is with me, whether I am
इस रजत महोत्सव के लिए, फादर पांडित्य के राजकीय जीवन के लिए और उनकी पुरोहितता के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दें। उन्होंने जो भी अच्छा काम किया है प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा थी दिल्ली डायसिस के लिए, दिल्ली डायसिस के विश्वासियों के लिए। और साथ ही साथ आज हम लोग एक परिवार के सदृश मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आगे की पुरोहिताएं और फलप्रद रहे, उनकी आगे की पुरोहिताएं उनके जीवन में और अर्थ लेकर के आए, उनकी आगे की पुरोहिताएं दिल्ली डायसिस के लोगों के लिए, धर्म प्रांत के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बने। इस देश को लेकर के हम इसके संविधान को आगे बढ़ाए। एक क्षण मौन हो जाए, दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दें। और साथ ही साथ फादर माणिक राज के लिए हम फिर से प्रार्थना करें। जो हमारी जिंदगी में बड़े
जहाँ एकत्रित हर परिवार पर अपने आशीष बरसा, जैसे वे मुझे और दूसरे पाप लोगों को प्यार करते आ रहे हैं, वैसे आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमें मान लिया करते हैं।
मेरे इस दीन सेवक और यहाँ पर से सारे परामर्शों के लिए और उन सभी धर्म धर्म अधिकारियों के लिए भी चढ़ाते हैं जो कैथलिक का प्रत्येक विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारे पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर।
हमारे निगरानों पर या रुचिदार जैसे पूरे अपने नदी से और काफिल निकले हमारे संपूर्ण पृथ्वी प्राचीन का बलिदान और अपने महापुरुष जल्दी से देवता पवित्र और निर्दोष का स्वीकार किया वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर ये सब मानीश्वर हम जीता पूर्वक उसकी प्रार्थना करते हैं तेरा पवित्र स्वर्ग जो उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के समूह चढ़ाए ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का मन पवित्र श्रेय तथा रथ ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण जो विश्वास के चिन्ह से हम होकर हम से पहले कमजोर से जान चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं हे प्रभु तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद जो तथा शांति का निवास प्रदान कर हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरे असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे निवेदन करते हैं तो अपने धन्य प्रेरित तथा शहीदों संत योहन स्टेफानस मत्तियस बरनबास अलेक्जेंडर मार्टिनस पेट्रस क्रिस्कस परपत्वा अगदासिया सिसिलिया अनस्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा प्रदान करें हमारे प्रभु क्रिस्त के जीवन देता और आशीष देकर में प्रदान होता है सारा का
करते रहेंगे। जब हमारे मौजूदा यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्यवाद सबको लेकर देखेंगे। This is the time for Holy Communion. For those people who have been baptized in the Catholic Church, have been done with, but this once you are not there again, अपने आप को तैयार किया है सिर्फ कई लोग अपने साथ स्वीकार करने के लिए आप आएंगे, बाकी लोग अपने ही जगह पर बैठ कर प्रार्थना करते रहिए। Thank you.
ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। और सब शक्तिमान ईश्वर